आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आज का ये वीडियो है एडवांस स्किन केयर रूटीन। इसके पहले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि बेसिक स्किन केयर रूटीन कैसे होता है। अब ये आज का जो वीडियो है ये नॉर्मली 25 अबाव के लोगों के लिए है। जो जेंट्स भी आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं, और लेडीज़ तो कर ही सकती है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्किन केयर रूटीन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जब हम टीनेजर्स होते हैं, यंग होते हैं, तो हमारी स्किन भी काफ़ी यंग होती है। लेकिन आपको भी पता है इतना सारा अभी डर्ट पोल्यूशन है, इन सब से हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से हमारी स्किन बहुत डैमेज होने लगती है, डल दिखने लगती है। इसे हटाने के लिए, इसे एक हेल्दी रूटीन में डालने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती है। अब आपसे मैं एक सीक्रेट शेयर करती हूँ। मैं खुद ना थोड़ी आलसी टाइप की हूँ, तो एक टाइम आता है जब मैं बहुत अच्छा अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठंडी का बहुत ज़्यादा अगर सीज़न है, या फिर जैसे अभी कहीं पे फंक्शन है, शादी है, जहाँ पे हमारे 2-3 दिन जाने वाले हैं, वो टाइम पे ना मैं अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ, थोड़ा आलस मुझे आ जाता है। या फिर मुझे पता है कि मेरी स्किन ना अभी बहुत अच्छी हो गई है, तो फिर वो टाइम के बाद ना एक अपने आप ही मुझे आलस आ जाता है, जिसके वजह से मुझे फिर से पिंपल्स आना, एक्ने आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर स्किन बहुत ही डल दिखने लगती है। मैं फिर से अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ और वो फिर बैक टू नॉर्मल हो जाती है। इतने फ़ायदे हैं स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के। किसी भी स्किन केयर रूटीन का फर्स्ट पॉइंट होता है क्लिनजिंग। तो माइल्ड या फिर आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको आपका फेस वॉश चूज़ करना है। दिन में 2 बार आपको अपना फेस वॉश करना है, नहाते वक्त मतलब मॉर्निंग में, और फिर बेड टाइम मतलब सोने से पहले आपको ये 2 बार दिन में स्किन केयर रूटीन फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम अपना फेस वॉश करेंगे अच्छे से। फेस वॉश करने के बाद नंबर 2 आता है टोनर। जहाँ हम टोनर जो मार्केट में अवेलेबल है, या फिर रोज़ वाटर जिसका हम स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, रोज़ वाटर हमेशा फ्रीज में रख देती हूँ, और फिर जैसे हम फेस वॉश करके आते हैं, ठंडा ठंडा फेस रोज़ वाटर अपने फेस पे हम स्प्रे करते हैं। स्किन अब्सॉर्ब कर लेती है ये टोनर, जिससे हमारे जो पोर्स ओपन हो चुके हैं वो अब यहाँ पे मिनिमाइज होना स्टार्ट कर देते हैं। टोनर लगाने के बाद आपको 5 मिनट्स का वेट करना है। नंबर 3 आता है सीरम। तो सीरम भी आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से, या फिर जिस चीज़ की आपके स्किन को नीड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सीरम चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप उसके हिसाब से अपना सीरम चूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन अगर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डल हो चुकी है, तो आपकी स्किन को रिजुनवेट करने के लिए भी, फ्रेश करने के लिए भी सीरम्स अवेलेबल है। आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, जिसके मार्क रह जाते हैं, तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी कुछ सीरम्स अवेलेबल है। आपकी स्किन अगर डल हो चुकी है, टैन हो चुकी है, तो आपकी स्किन को ब्राइटन करने के लिए भी विटामिन सी सीरम बहुत ही अच्छा होता है। तो हम इसमें से कोई भी एक सीरम चूज़ कर सकते हैं और उसे हमें लगाना होता है। सीरम के साथ हमेशा एक ड्रॉपर आता है, जिससे हम ड्रॉप्स अपने स्किन के ऊपर यहाँ पे ऐसे डालेंगे और फिर से हल्के हाथों से उसे मसाज करेंगे। नंबर 4 है अंडर आई क्रीम। नॉर्मली 35 के बाद अपनी स्किन ना डल तो होने लगती है, स्पेशली जो अपने आँखों का जो एरिया है, क्योंकि ये स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और फिर वहाँ पे आपको फाइन लाइंस दिखना स्टार्ट हो जाता है, या फिर पफिनेस आपके अब बहुत लोगों के आँखों में आता है, वहाँ ऐसे जगह पे आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर देने की ज़रूरत होती है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अंडर आई क्रीम या फिर आई क्रीम यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। आई क्रीम हमेशा बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको यूज़ करनी होती है, लाइक एक छोटा सा एक ड्रॉप हम अपने हाथों में लें, उसे हल्के हाथों से
मसाज करें, सॉरी ये फिंगर से, रिंग फिंगर से आपको अपने आँखों के साइड, आँखों के आसपास हल्के हाथों से मसाज करना होगा। ये स्टेप होगी सीरम के बाद। अगर आपको आई रिलेटेड या फिर फाइन लाइंस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप अंडर आई क्रीम स्किप कर सकते हैं। और सीरम के बाद हम नंबर 5 पे जाते हैं, मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करना है। एक तो फिर आप बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र चूज़ कीजिए, या फिर स्किन टाइप अकॉर्डिंग आपको मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र से स्किन ऑयली होती है ऐसा जिसे भी लगता है, सबसे पहला रीज़न है कि आपने जो मॉइस्चराइज़र चूज़ किया है वो गलत है। अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही आपको मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है। नंबर 6 है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अपने फेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी स्किन को यूवी रेस से बचाने के लिए जो एक शील्ड का काम करता है वो है सनस्क्रीन। मॉर्निंग में आप ये जब रूटीन फॉलो करते हो तो आपको मॉइस्चराइज़र के 10 मिनट्स के बाद ये सनस्क्रीन लगाना इम्पॉर्टेंट है। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप 45 या फिर 50 SPF वाला सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों ने मुझे ऐसे कहा है कि सनस्क्रीन लोशन लगाने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, चिपचिपी ग्रीसी हो जाती है। ये चीज़ से मैं भी गुजर चुकी हूँ। मुझे भी कुछ ऐसे सनस्क्रीन मिले थे जो कि काफ़ी चिपचिपा मेरा स्किन हो जाती थी जिसकी वजह से। तो वहाँ पे गलती क्या हो रही थी, और जिसके भी साथ अगर ऐसा होता है तो गलती यही होती है कि हम अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रॉपर सनस्क्रीन नहीं चूज़ करते। आपकी स्किन अगर ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है, हर एक टाइप के स्किन के लिए सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको जस्ट अपना राइट एक जो प्रोडक्ट है उसे चूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मली ऑयली स्किन के लिए जो सनस्क्रीन मिलते हैं वो सनस्क्रीन लोशन फॉर्म में नहीं होते हैं या फिर क्रीम फॉर्म में नहीं होते हैं, वो जेल बेस्ड होते हैं। सो आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आपने जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाने चाहिए। मुझे काफ़ी अच्छा ऑयली स्किन के लिए सनस्क्रीन मिला है जो कि जेल है, एक्चुअली सनस्क्रीन जेल है, जिसका मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखा दूँगी। और इसकी अगर आपको भी परचेस करना है ये सनस्क्रीन, तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। नंबर 7 है एक्सफोलिएशन। हमारे स्किन पे जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उसे रिमूव करने के लिए एक्सफोलिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक्सफोलिएशन के लिए आपने अपने बड़े बड़े ब्रांड के स्क्रब्स परचेस की, और फिर हम एवरी ऑल्टरनेट डे अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत ही ये बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो आपने इसे अभी रुकना चाहिए। तो एक्सफोलिएशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो मैं भी फॉलो करती हूँ वो ये है कि वीक में एक बार, आप दो बार भी कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ एक बार ही करती हूँ, या फिर कभी कभी मैं 15-20 दिन में एक बार करती हूँ एक्सफोलिएशन, जिसमें मैं थोड़ा सी कॉफ़ी, लाइक एक टीस्पून कॉफ़ी, उसमें थोड़ा सा हनी लेती हूँ और एक या दो ड्रॉप मैं यहाँ पे लेमन के ऐड करती हूँ। ये एक्सफोलिएशन मोस्टली मैं जब मॉर्निंग रूटीन के टाइम पे जब मैं अपनी स्किन को क्लीन करती हूँ उसके बाद ये पेस्ट आपको अप्लाई करनी है। उसे 5 मिनट्स आपको आपके फेस पे रख देना है, और हल्के हाथों से थोड़ा सा आप पहले पानी लगा लीजिए ताकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, हल्के से मसाज करते हुए आपको उसे निकालना है, और फिर आपको अच्छे ठंडे पानी से अपने स्किन को वॉश कर लेना है। अगर आपको लेमन सूट नहीं होता है तो आप लेमन यूज़ मत कीजिए। बेस्ट वे है कि आप पहले पैच टेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद ही आप ये मेरा जो नुस्खा है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो एडवांस स्किन केयर रूटीन के बारे में। ये स्किन केयर रूटीन आपको भी फॉलो करना चाहिए, और आपकी जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है जो अबाउट 25 है, तो उन सबको भी ये वीडियो आपने शेयर करना चाहिए। आपने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।